खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और अरविंद केजरीवाल जी से उसके डर का आलम ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए रात को 12 बजे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट और उनके केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार, हिमाचल के जो भारतीय जनता पार्टी जिनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने जा रही है, वो केंद्रीय मंत्री और साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति को अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं रात को 12 बजे, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी को शिकायतें मिली हुई हैं कि वो महिलाओं से गंदी बात करता था, महिलाओं के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता था, तुच्छी बातें करता था महिलाओं के बारे में। ऐसे आदमी को, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ऐसे आदमी को जब आम आदमी पार्टी ने बुला के कहा कि हम आपके खिलाफ जांच करा के कार्रवाई करेंगे और आज जिसको हम पार्टी से निकालने वाले थे, वैसे महिलाओं के खिलाफ टुच्ची और गंदी बात करने वाले व्यक्ति को गले लगा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जेपी नड्डा जी उधर, और हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने रात को 12 बजे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में उसको गले में बाहें डाल के उसका स्वागत किया है। तो सबसे पहले तो इससे यही साबित होता है कि हिमाचल की जनता के दिल की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है, वरना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रात को 12 बजे एक चरित्रहीन व्यक्ति को अपने साथ गले लगाने की ज़रूरत पड़ गई। एक केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, भावी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनको रात को 12 बजे एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर चरित्रहीन होने के आरोप लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी जिसको निकालने वाली थी आज, उसको रात को 12 बजे गले लगाया, तो एक तो बौखलाए हुए तो बहुत हो, डरे हुए तो बहुत हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हो और रात को 12 बजे बौखलाहट में एक चरित्रहीन व्यक्ति को अपने गले से लगा लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको 2 मिनट के लिए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ कहने का मौका मिल रहा है। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को आपने लिया है उसकी सही जगह एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में ही है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहाँ ऐसे चोर उचक्कों को, महिलाओं के खिलाफ गंदी गंदी बातें करने, टुच्ची बातें करने वाले, गिरी हुई हरकतें करने वाले, इस तरह के बलात्कारियों को, इस तरह के चोर उचक्कों को, महिलाओं का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को लिया जाना चाहिए और ले सकते हो, उनकी जगह वही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में ही ऐसे लोगों की जगह है जहाँ जिसको दूसरी पार्टियाँ इसलिए निकाल रही हों कि उसने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, टुच्ची बातें कही हैं, उसको आप गले लगा रहे हो। तो रात को 12 बजे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल पहुंचते हैं। रात को 12 बजे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हिमाचल पहुंचते हैं। अनुराग ठाकुर जी मतलब हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री चेहरे हिमाचल पहुंचते हैं और रात को 12 बजे जाके एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन कराते हैं जिसके ऊपर इतने आरोप हैं, जिसको आम आदमी पार्टी आज सुबह निकालने ही वाली थी। तो हम उसकी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं और मुझे भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से और ख़ास तौर से महिला कार्यकर्ताओं से सहानुभूति है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने गिरे हुए, कितने चरित्रहीन लोगों को अब पार्टी में लेने लगे हैं, कितने बुरी तरह से बौखला गए हैं, ये आप खुद देख लीजिए। सच है, हिमाचल की राजनीति बदल रही है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट सिद्धांत है कि किसी के खिलाफ भी, महिलाओं के खिलाफ किसी तरह की टुच्ची हरकत करने के, टुच्ची बात करने के, गिरी हुई हरकत करने के बात आएगी तो 1 मिनट आम आदमी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी।
ऐसे में आम आदमी पार्टी तो उसको निकालने ही वाली है, निकालने ही वाली थी, उन्होंने उसका स्वागत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे लोगों की जगह हो सकती है। हमें भी खुशी है कि बीजेपी अपने असली चाल चरित्र पर चल रही है। और भी कई लोग शामिल हुए, 3-4 लोग जैसे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी आपके तो भी शामिल हुए। ठीक है, उसने जिस जिसको किया, पर उनको बधाई है कि उनके लीडर के रूप में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को लिया है जिसके बारे में हमारे पास में पूरी इस तरह की जानकारी थी और उसको आज हम निकालने वाले थे।